and very warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, Star Plus सुपर हिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर है हम आप सभी लोगों के सामने. दोस्तों, कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है. भविका शर्मा, जो इस वक्त शो में किरदार निभा रही है सवी चौहान का, उसके जिंदगी में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आ चुका है जिसके बाद अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद ईशान की नफरत उसके लिए जिंदगी भर की हो जाएगी. बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ऐसा कुछ करने वाली है सवी और ऐसा कुछ करवाने वाली है और कोई नहीं बल्कि रीवा सवी से, जिसके बाद ईशान की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए सवी गिर जाएगी. ईशान इतनी नफरत करने लगेगा सभी से जिसकी कोई हद नहीं. क्या करवाने वाली है रीवा ऐसा सभी से, चलिए आपको बताते हैं कहानी की पूरी डिटेल. लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. वेल दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर रीवा को पता चल चुका है कि सभी जो है वो इस वक्त कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ईशान सबसे ज्यादा अटेंशन दे रहा है सभी को. लेकिन वो इस बात से अनजान है कि सभी और ईशान एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं. उसे लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही कल्चरल सेक्रेटरी होने की वजह से सभी कॉलेज में ज्यादातर लोगों को जानती है और यहाँ पे सभी को जरूरत है अपने आजूबा के इलाज के लिए पूरे के पूरे 60 लाख रुपयों की. दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफर देने वाली है रीवा सभी को. वो कहेगी कि जो इंडिया के नंबर 1 स्पेशलिस्ट हैं, जो तुम्हारे दादाजी यानी कि आजूबा का इलाज करेंगे ब्रेन के अल्जाइमर्स का, उनका अपॉइंटमेंट मैं तुम्हें दिला सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा की जान पहचान बहुत ऊंची है. मैं अगर कहूंगी तो वो 5 मिनट में तुम्हारे दादाजी के इलाज के लिए राजी हो जाएंगे. इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे 60 लाख रुपए भी दूंगी जिससे तुम बिना किसी दिक्कत के अपने दादाजी का इलाज करवा लो. लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. सभी को लगेगा कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है, लेकिन ऐसे में रीवा रोते हुए कहेगी कि ये तो दिल का काम है. तब सभी को कहने वाली है रीवा कि उसे ये करना होगा कि ईशान के कैबिन तक पहले तो वो उसे पहुंचाए और दूसरा किसी तरीके से इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए सभी उसकी रजामंदी ले ले पूरे के पूरे एजुकेशन बोर्ड से. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ईशान सर को भी मनाए कि वो रीवा को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रखें. अब ऐसे में दोस्तों, सभी तिगड़म लगाने में तो माहिर है और अपने आजूबा के लिए उसे ये करना भी होगा, इसीलिए सभी मजबूरी में आकर उसका ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी. लेकिन दोस्तों, जब ईशान को पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. ईशान का गुस्सा इस कदर भड़केगा. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं नए ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें.